जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं लेकर आया हूं आज बौद्ध धर्म से जुड़े हुए सवाल, जो कि उनका जीवन परिचय है। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए सवाल हैं, उनका जीवन परिचय है। तो सबसे पहले आपको ये माइंड में क्या रखना है वो अब आप दिमाग में रखिए कि बौद्ध धर्म, सबसे पहले बौद्ध धर्म जो है की स्थापना किसने की थी। तो बौद्ध धर्म की स्थापना जो है वो महात्मा बुद्ध के द्वारा हुई है, जिनका जो जन्म है वो 563, शॉर्टकट में मैंने एक ही पेज में बनाया है इसको पूरा, कि बौद्ध धर्म के संस्थापक की जो स्थापना जन्म है वो 563 में हुआ। जन्म स्थान क्या था, कपिल वस्तु के पास था, लुम्बिनी का वन था, जंगल में हुए हैं, 14 मील दूर है उनसे लुम्बिनी जो स्थान वन है कपिल वस्तु से। पिता का नाम सुशोधन था और ये कपिल वस्तु यानी के शासक थे वहां के, मतलब राजा बोल सकते हैं। और माता का नाम जो था वो महामाया था। माता का नाम क्या था, महामाया, जो कि कोलीय वंश की राजकुमारी थी, कोलीय वंश की राजकुमारी थी। तो बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, कई बार सवाल पूछा जाता है, बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था, तो कंथक था। क्या नाम था, कंथक। बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, तो यशोधरा जो है बुद्ध की पत्नी का नाम था। इसी प्रकार से बुद्ध के सारथी का क्या नाम था, तो चन्ना था। बुद्ध के पुत्र का नाम जो था वो राहुल था। बुद्ध के चचेरे भाई का नाम देवदत्त था। और बुद्ध की मृत्यु जो है वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई है 483 ईसा पूर्व। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन। और बौद्ध धर्म को यानी कि बुद्ध को जो है वो ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी, तो बोध गया बिहार में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई है पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे जो है उनको ज्ञान प्राप्ति हुई है। तो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ थोड़ी सी, कि महात्मा बुद्ध जो है वो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। जब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था उस समय को महाभिष्क्रमण कहा गया है। तो महाभिष्क्रमण का क्या अर्थ है ये याद रखिएगा, गृह त्याग। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ जो है, क्योंकि इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था इसलिए मैंने सिद्धार्थ बोला है, ने विशाली के अलार कलाम से दर्शन, संख्या दर्शन यानी कि स्टैटिक्स की जो है वो शिक्षा ग्रहण। इसलिए इनके पहले गुरु का नाम भी जो है वो लाल कलाम ही बने, तो इसलिए सिद्धार्थ के पहले गुरु भी थे। नेक्स्ट आता है, भारत में मूर्तियों की पूजा की नींव भी बौद्ध धर्म से रखी गई, क्योंकि आपने देखा होगा कि बौद्धिस्ट जो होते हैं जितने भी बौद्ध धर्म वाले हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं, बौद्धिस्ट, सभी के सभी बौद्धिस्ट क्या करते हैं बच्चों, सभी के सभी अपनी अपनी मतलब यानी कि बुद्ध की जो है मूर्ति की पूजा करते हैं। इन्होंने भारत में मूर्तियों की पूजा की भी नींव रखी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो वो भी गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया के नाम। नागार्जुन बौद्ध भिक्षु थे जिसने प्रथम सदी में, पहली सदी में, ईस्वी में चीन जाकर बौद्ध की कृतियों यानी कि कृतियां मतलब उनके उल्लेख किए हैं, उनके बारे में बताया है चीनी भाषा में, उनवे अनुवाद करके यानी कि ट्रांसलेट किया चीनी भाषा में। तो इसलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है चाइना जाकर जो है बुद्ध की जो है वहां पर स्थितियों को या उनके बारे में जो है डिस्क्राइब किया लोगों में जो कि चाइना की यानी कि चीनी भाषा में ही किया। इसलिए नागार्जुन को जो है भारत का क्या कहा जाता है, आइंस्टीन कहा जाता है। इसी प्रकार से बुद्ध का अर्थ जो है यानी कि मीनिंग, अगर बात करें बुद्ध के का मीनिंग क्या हुआ, तो वो ज्ञान होता है।
बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान, नॉलेज। बुद्ध को जो है, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि उनको ज्ञान प्राप्ति जो है वो कहाँ हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा किस नदी के किनारे हुई थी। ये है फल्गु नदी। कौन सी नदी है? फल्गु नदी। पीपल का पेड़ था, उसके नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। और बुद्ध की मृत्यु जो है वो किस वृक्ष के नीचे हुई है? तो वो है शाल वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष के नीचे? शाल वृक्ष के नीचे हुई है। ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु अलग अलग चीजें हैं, तो इसलिए हमें ध्यान दिमाग में रखना पड़ेगा कि ज्ञान प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई और जब मृत्यु हुई तो वो शाल वृक्ष के नीचे हुई। बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो उन्होंने किस भाषा में किया था? पाली भाषा में किया। किस में किया था? पाली भाषा में किया था। जैसे अब मैंने बताया है कि ज्ञान प्राप्ति उनको बोध गया बिहार में हुई है, पीपल के पेड़ के नीचे। तो इसी प्रकार से मृत्यु उत्तर प्रदेश कुशीनगर प्लेस का नाम बताया है, मगर जब पेड़ का नाम पूछा जाएगा तब आपको उसकी मृत्यु के लिए जो है वो शाल वृक्ष भी लर्न रखना पड़ेगा। ये है हमारा बौद्ध धर्म से जुड़े हुए। इसी प्रकार से और बताता हूं मैं आपको, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो सांची का स्तूप है, ये मध्य प्रदेश में। कहां पे है? मध्य प्रदेश में है बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप। और सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाए थे। सांची के स्तूपों का निर्माण किसने किया? अशोक ने किया। पट मंदिर स्तूप, क्योंकि आपको मालूम है कि हिमाचल के धर्मशाला में ही दलाई लामा रहते हैं, तो उसको भी मठ के नाम से कहा जाता है। तो इनके मठ मंदिर स्तूप ये सभी बौद्ध धर्म से जुड़े। नेक्स्ट आता है अजंता की गुफाएं। अजंता एलोरा की गुफाएं हैं जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, तो ये भी बौद्ध धर्म से ही जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से शिशु मेला लगता है, ये भी बौद्धों का ही या बौद्धों द्वारा ही लगाया जाता है। और शान शापू लोक नृत्य, कई बार पूछा जाता है शान शापू लोक नृत्य किन से जुड़ा है, तो यह भी बौद्ध धर्म से या भगवान बुद्ध से ही जुड़ा हुआ है। जब बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चार बौद्ध संगतियां का आयोजन किया गया। जो चार संगतियां आयोजित की गई थी, तो पहली संगति जो है वो 483 ईसा पूर्व राजगृह स्थान का नाम है। महाकश्यप अध्यक्ष थे इनके, और अजात शत्रु के शासनकाल में, बच्चों अजात शत्रु के शासनकाल में जो है वो हुई थी पहली बौद्ध संगति। इसी प्रकार से दूसरी अगर बौद्ध संगति की बात करें तो 383 ईसा पूर्व विशाली में हुई थी। सावाकामी जो है वो इसके अध्यक्ष थे और काला शोक के काल में हुई। कई बार पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की जो पहली संगतियां हैं वो कहां पर हुई, किसके काल में हुई और कब हुई। अध्यक्ष का नाम नहीं पूछा जाता, इसलिए ये आप नोर भी मार सकते। इसी प्रकार से तीसरी संगति जो है वो 255 में ईसा पूर्व हुई। पाटलिपुत्र यानी कि पटना का नाम है ये पुराना। मोगलिपुत्र जो थे इसके अध्यक्ष थे, अशोक के काल में हुई है। इसी प्रकार से चौथी जो संगति है ये पहली सदी में कुंडलवन स्थान पर हुई है, जो कि वसुमित्र और अश्वघोष के दोनों अध्यक्ष थे और ये कनिष्क के काल में हुई है। इसके काल में हुई है, कनिष्क के काल में हुई है। जब बौद्ध धर्म की दो संगतियां हुई थी, तो ये बौद्ध धर्म जो है इनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, हीनयान और महायान। हीनयान क्या है और महायान क्या है, दोनों का तो फर्क होगा। तो हीनयान, हीनयान वाले जो बौद्धिस्ट हैं वो क्या है, वो प्राचीन रूप है हीनयान, और महायान जो है वो नवीन रूप से बनाया गया है, वो उसका अपना रूप रोल है। और ये जो हीनयान है ये कठोर मान या मार्ग है, यानी कि
कम ही लोग इससे जो है वो ज्ञान प्राप्ति कर पाते हैं, ये कठोर है। और महायान जो है वो सरल है, इसलिए यहां से अधिक लोगों को जो है वो जल्दी से ज्ञान प्राप्ति हो जाती है बच्चों। इसी प्रकार से ये बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष भी मानते हैं कि बुद्ध जो है वो उनमें अलग ही शक्तियां थी। और महायान के जो व्यक्ति हैं या बोधिस्ट हैं वे बुद्ध को भगवान मानते हैं। वो बोलते थे कि भैया बुद्ध जो है वो तो भगवान है। और हीनयान वाले बोलते थे कि जो बुद्ध थे वो एक सामान्य ही पुरुष थे, पर उनमें जो है असामान्य के आगे गुण थे अलौकिक। इसी प्रकार से हीनयान ये बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं बच्चों, जो बुद्ध ने बनाए थे ये प्रतीकों की पूजा करते हैं। और महायान वाले बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं, जो कि आप डेली बौद्धिस्ट को देखते हैं वो महायान वाले। इनके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए हैं और जो महायान वाले हैं वो संस्कृत भाषा में रचे गए। और ये कर्म और धर्म पर विश्वास करते हैं, कर्म भी कर और धर्म पर करते हैं इन यान वाले, और महायान वाले परोपकार पर ही विश्वास करते हैं, यानी कि हेल्प करो और आगे चलो, परोपकार पर ही विश्वास करते हैं। इसी प्रकार से इससे छिटपुट कुछ क्वेश्चंस हैं कि आपको स्टडी करने चाहिए, जैसे कि सांची के स्तूप का किसने निर्माण करवाया, अजंता एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में है, सारनाथ का स्तंभ का चक्र किस किससे अंकित करता है या प्रदर्शित करता है, प्रगति है। तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, वो भी उत्तर प्रदेश में हुई थी। प्रकार से हमारा नेक्स्ट आ जाता है जैन धर्म। तो जैनियों के क्वेश्चंस हैं, जैन धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन, यानी कि जैन धर्म के पहले तो आपको संस्थापक का नाम पता होना चाहिए। महावीर स्वामी हैं जिनका प्रारंभिक में शुरुआती दौर पर उनका नाम जो है वो वर्धमान था, और ये 540 ईसा पूर्व, कब 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कुंड ग्राम वैशाली में हुआ है। पिता का नाम सिद्धार्थ जो कि जात्रक कुल के मुखिया थे, माता का नाम त्रिशला लिच्छवी राज्य की के राजा चेतक की बहन थी, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, और उनके दामाद का नाम जामिल था जो कि पहले इनके शिष्य भी रहा करे हैं या हुए हैं। और ज्ञान प्राप्ति इनको सुंभिक ग्राम त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। कहाँ पे हुई थी, साल वृक्ष के नीचे हुई थी, याद रखिएगा। और इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो राजगृह में दिया था। कहाँ पे दिया था, राजगृह में दिया था। जो स्वयं तप होगा वो है ओंकार, यह तप के माध्यम से आत्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं वो तीर्थकर या तीर्थ कहलाते हैं। मतलब जो कि संसार जो है हमारा, ठीक है, पूरा सागर जितना भी है वो तो उससे अगर हम हमें परे चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, तो वो चीज तीर्थ की रचना करते हैं, तीर्थ कर्त बनते हैं। तो ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के संस्थापक थे और पहले तीर्थ कर भी थे। इनका प्रतीक चिन्ह सांड है। ऐसे ही टोटल 24 तीर्थ कर हुए हैं, तो मैंने पहले दो को ही उठाया है। तो पहले हैं हमारे ऋषभदेव और 24वें हैं यानी कि अंतिम है महावीर स्वामी। इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो शेर था। इसी प्रकार से मैं आपको बता देता हूं 23वें जो तीर्थकर हैं वो हमारे पार्श्वनाथ थे। झारखंड के समेत शिखर पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, पार्श्वनाथ को। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने चार नियम बताए। एक,
हिंसा मत करो, यानी लड़ाई नहीं करनी, सदा सच बोलना है, सत्य बोलना, चोरी नहीं करनी है, संपत्ति को भी नहीं रखना है, ये इनके जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद चार नियम। और पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 साल पहले हुए करते। आध्यात्मिक जीवन की बात करते हैं तो महावीर स्वामी 30 साल के थे, तो इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इन्होंने अपने बड़े भाई को कहा कि भाई नंदी वर्मन, मैं जो हूँ कि भैया मैं तो जाना चाहता हूँ। उनसे अनुमति ली और सन्यासी बनने का या सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लिया। अपने भाई को बताकर गए और 12 वर्षों की कठिन तपस्या की और महावीर स्वामी को त्रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति को जो है इनके समय को कैवल्य कहा गया है। पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एलाइड सर्विसेज के लिए, कैवल्य का क्या अर्थ है? तो ये है ज्ञान प्राप्त। इसी समय में महावीर स्वामी अहूर्त यानी कि पूज्य, ग्रंथ, बंधनहीन, जिन यानी कि विजेता भी कहलाए हैं, अलग अलग नामों से इनको पुकारा गया। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में दिए थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महावीर स्वामी ने कौन सी भाषा में अपना उपदेश दिए थे। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया था और अंतिम उपदेश जो है वो इन्होंने पावापुरी में दिया है। कहाँ पे दिया है? पावापुरी में दिया है बच्चों। महावीर स्वामी जो है ये प्रथम भिक्षु की बात करें तो वो उनके कौन थे? तो जामिल थे। कौन थे? जामिन थे। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चंस बनते हैं इससे जुड़े हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म से आगे चलते हैं हम। महावीर स्वामी के दो प्रमुख अनुयायी थे, दो प्रकार के थे। कौन कौन से अनुयायी? यानी कि आपको पता है फॉलोवर्स, भद्रबाहु और स्थूल भद्र, दो प्रकार के होते हैं। किस किस प्रकार के होते हैं? भद्रबाहु यानी कि दिवंगर, दिवंगर उन्हें बोलते हैं जो कि नग्न रहने वाले होते हैं, यानी कि कपड़े नहीं पहनते हैं, उनको दिवंगर कहते हैं। स्थूल यानी कि श्वेतांगर, जो सफेद कपड़े धारण करे उनको श्वेतांगर कहा जाता है, अंबर कहा जाता है, श्वेतांबर। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए बच्चों। मौर्य काल में 12 वर्षों की भीषण अकाल पड़ गया था, जिसके कारण भद्रबाहु ने अपने अनुयायियों के साथ जो है दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और उनके साथ जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, क्योंकि वो भी जैन धर्म के अनुयायी ही थे। उन्होंने कर्नाटक के बेलगोला में सलेखना विधि के द्वारा जो है अपने प्राण त्याग दिए थे बौद्ध धर्म ने, सॉरी जैन धर्म के भद्रबाहु ने। याद रखिएगा, जैन धर्म के भद्रबाहु ने सलेखना विधि के द्वारा, सलेखना विधि क्या होती है? खाना पीना छोड़ देते हैं तो सलेखना विधि कहा जाता है। इसके प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं जैन धर्म से जुड़े हुए? ये भी बहुत बार पूछा जाने वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तो मौर्य काल में जो है मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जो है वो जैन धर्म से ही है। कर्नाटक के चामुंडा शासकों ने बेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, ये पहले ऐसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है गुजरात के अहमदाबाद में। इसी प्रकार से गोमेश्वर की मूर्ति है, ये कर्नाटक में है, चामुंडा शासकों के द्वारा बनाई गई थी, बेलगोला जगह का नाम है। तो ये थी सबसे पहले भारत की सबसे बड़ी मूर्ति। अब उसके बाद अब बड़ी बन चुकी है, आपको पता है सरदार वल्लभ भाई। तो अब ये
छोटी है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया, तो कई बार ये सवाल आया है क्योंकि डिफेंस में हो, अगर टैट की बात करें, कमीशन की बात करें, तो मैं भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खजुराहो के जो मंदिर हैं जैन मंदिरों, उनका उनको किसने बनाया है, ये कहाँ पे है या किस धर्म से जुड़े हैं, ये तीन चार क्वेश्चन इसी एक लाइन से बन। नेक्स्ट आता है राजस्थान में माउंट आबू है, माउंट आबू को ये भी याद रखना है कि छोटा शिमला भी कहा जाता है क्योंकि दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी यहीं पे ही हैं माउंट आबू राजस्थान। इसी प्रकार से नेक्स्ट आ जाता है हमारा इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो हैं, जो है वो संस्थापक हैं इस्लाम धर्म के, और जन्म जो है वो मक्का में हुआ था 570 ईसा पूर्व, कब हुआ था 570 ईसा पूर्व हुआ था, और पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था, ज्ञान प्राप्ति इनको हीरा गुफा में हुई है मक्का के पास 610 ईसा पूर्व ईस्वी में सॉरी, और पत्नी का नाम इनकी खदीजा था, दामाद का नाम अली हुसैन, पुत्री का नाम फातिमा, और पवित्र ग्रंथ की बात करें तो वो इनका क्या था, कुरान इनका पवित्र ग्रंथ था। इसी प्रकार से मृत्यु की बात करते हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की, तो 8 जून 632 ईस्वी को मदीना में इनको दफनाया गया। और इसी प्रकार से आगे चलेंगे जीवन परिचय और अन्य तथ्यों की तरफ, तो हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का संस्थापक कहा जाता है। हजरत मोहम्मद साहब की जो शादी है वो 25 साल की उम्र में एक खदीजा विधवा के साथ हुई है, और 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर हजरत के मक्का से मदीना की यात्रा, इस्लाम धर्म में जो है मुस्लिम संबत यानी कि हिजरी संबत कहते हैं के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि एक तो हिजरी संबत जो है वो किसका है, किस धर्म से जुड़ा है, नंबर दो कब शुरू हुआ है और किसने चलाया था। नेक्स्ट आता है देवदूत गैब्रियल ने जो है पैगंबर मोहम्मद को कुरान अरबी भाषा में संक्षेपित किया था यानी कि ट्रांसलेट करवाया था, और पैगंबर मोहम्मद ने कुरान की शिक्षाओं का पर ही उपदेश दिए थे। नमाज जब पढ़ते हैं ये जितने भी मुस्लिम हैं वो मक्का की ओर दिशा करते हैं, उसको किबला कहा जाता है। जब भी नमाज पढ़ी जाती है जिस दिशा में पढ़ी जाती है क्या कहा जाता है, किबला कहा जाता है। पैगंबर हजरत के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है, पैगंबर हजरत के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है, खलीफा कहा जाता है। प्यारे बच्चों 8 जून 632 ईस्वी को हजरत मोहम्मद की मृत्यु हो गई, बाद में उन्हें मदीना में दफनाया गया था। कहां पे दफनाया गया था, मदीना में दफनाया गया था। इस्लाम इसके बाद जब उनकी डेथ होगी तो उसके बाद इस्लाम धर्म दो पंथों यानी कि दो अलग अलग पंथों में अलग अलग बट गया, एक सुन्नी मुसलमान और एक सिया मुस्लिम। अब सुन्नी मुसलमान कौन होते, जो कि सुन्ना पर विश्वास करते हैं, सुन्ना मतलब पैगंबर हजरत मोहम्मद के कथनों और उनके कार्य या विवरण जो दिए थे उनको मानते हैं, और सिया मुसलमान वो होते हैं जो हजरत अली की शिक्षाओं पे विश्वास करते हैं और उन्हें मोहम्मद का न्याय सम्मत अधिकारी भी मानते हैं, ये होते हैं सिया मुसलमान। नोट आपने क्या रखना है, नोट ये भी रखना है कि
और पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर जो है वो कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद उन नबी जो है वो पर्व मनाया जाता है। मोहम्मद साहब की शिक्षाओं और उपदेशों का उल्लेख जो है वो पवित्र ग्रंथ कुरान में भी मिलता है, ये भी हमें याद रखना है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट धर्म की तरफ ही चलेंगे क्योंकि हमने आज धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस कवर कर लेने हैं। ईसाई धर्म की तरफ चलते हैं हम। ईसाई धर्म से पहले इसका शॉर्टकट परिचय कर लेते हैं। ईसाई धर्म आपको पता है यीशु मसीह की बात की जा रही है, तो संस्थापक ईसा मसीह आ गए। ईसा मसीह का जो जन्म है वो बैथलेहम जेरूसलम में हुआ था और जेरूसलम को ही पवित्र भूमि भी कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार आया है ये कॉम्पिटिटिव के लिहाज से कि पिता का सॉरी अपना पवित्र भूमि किसे कहा जाता है, तो जेरूसलम इसका सही आंसर रहेगा। और पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था जोसेफ, माता का नाम था मैरी, और पवित्र चिन्ह जो है वो क्रॉस है। और इनके दो शिष्य थे एंड्रूस और पीटर। और इनके जन्मदिवस दिवस पर क्रिसमस मनाई जाती है जो कि 25 दिसंबर को हर साल मनाई जाती है। नोट रखिएगा, याद रखिएगा छोटी सी बातें। यीशु मसीह का जो जन्म है वो जेरूसलम में हुआ और 30 वर्ष तक ये बढ़ई कि जो लकड़ी के काम करते हैं बढ़ई के रूप में बैतलेहम के पास नाजेत में बिठाए थे, ये वहां के प्लेस है जेरूसलम में। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में जो है सूली पर भी चढ़ा दिया गया था, और जो जिसने इनको चढ़ाया था वो रोमन गवर्नर पॉर्टियस था। रोमन गवर्नर पॉर्टियस था। और ईसाई धर्म जो है वो ईश्वर पिता को कहा जाता है, ईश्वर ही पुत्र को भी माना जाता है या कहा जाता है, ईश्वर ही पवित्र आत्मा में भी विश्वास रखा जाता है या रखते हैं। इस प्रकार से था धर्म से जुड़े हुए सवाल। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट और भी अच्छे से क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।